ये है आपका TSS PDCL की वैकेंसी, 1553 वैकेंसीज कम्प्लीटली निकाली गई है, तो 10th प्लस ITI होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SND एजुकेशन, और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी आशा के साथ में मैं हमेशा आपकी खुशियों का एक कारण बनता रहूं और आपके लिए सक्सेस में एक कदम आपकी सहायता कर सकूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां कौन सी वैकेंसी की बात कर रहा हूं, ये है आपका TSS PDCL की वैकेंसी देखने को मिल जा रही है। ठीक है, इसमें जो है ये कौन सी वैकेंसी है, ये है आपका द साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। नोटिफिकेशन नंबर की बात करें तो ये है आपका 03/2023। ठीक है, इस वैकेंसी का जो अगर वेबसाइट की तो ये है आपका tssouthernpower.cgg.gov.in, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसी के साथ में जो यहाँ पे वैकेंसी में पोस्ट कौन सी दी गई है, ये है जूनियर लाइनमैन की वैकेंसी। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है जिसमें आपके लिए जो है 1553 वैकेंसीज कम्प्लीटली निकाली गई है। लिमिटेड रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो ये है आपका 553, और अगर जनरल रिक्रूटमेंट की बात करें तो 1000 आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग डेट की अगर बात की जाए तो 8 मार्च 2023 से ये वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कल की डेट से, और ये एंड ऑफ द कब खत्म होगी आपका 28 मार्च 2023 को। फीस अगर आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो आप जो है इस तारीख को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही अगर आपने ये फीस इस टाइम तक पे आउट नहीं करी है तो आपका फॉर्म रिजेक्टेबल माना जाएगा। ठीक है, और अगर आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म अगर रह जा रहा है तो ये आपका जो है रात को 12 बजे तक चलने वाला है, फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे 28 मार्च 2023 तक। ठीक है, बात करते हैं एडिट फैसिलिटी की, मतलब कि अगर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका तो आप कब तक एडिट कर सकते हैं, तो 1 अप्रैल 2023 से 4 अप्रैल 2023 तक जो है आप एडिट कर पाएंगे वैकेंसी को। ठीक है, और साथ यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th प्लस ITI होना चाहिए, 2 साल का कोर्स होना चाहिए जिसमें कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड या फिर वायरमैन ट्रेड से अगर आपने ITI कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स कर रखा है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, ठीक है, 2 साल का, तो यहाँ पर भी यह जो है आप एप्लीकेबल होने वाले हैं। साथ ही जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको दी गई है, बहुत अच्छी बात है, जो कि 30 अप्रैल 2023 यानी कि 7 दिन के बाद ही जो है आपका पेपर हो जाना है। ठीक है, आपका डाउनलोड हॉल टिकट की अगर बात करें तो ये आपको जो है 24 अप्रैल 2023 को आप डाउनलोड कर पाएंगे। सैलरी की बात करूं तो 24,340 से 39,405 रुपये आपका पे स्केल जाने वाला है। SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है 120 रुपये फीस रखी गई है एप्लीकेशन की, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है 200 रुपये का पेमेंट रखा गया है। साथ ही एग्जामिनेशन जो होगा ये आपका हैदराबाद में होने वाला है, थी ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नोट है ये कि ये वैकेंसी के अंदर ये नहीं दिया गया है कि भी ये जो है ऑल ओवर स्टेट तेलंगाना वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑल ओवर जो है इंडिया से सब के सब अप्लाई कर पाएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि लास्ट टाइम जो ये वैकेंसी निकली थी तब भी जो है सभी ने अप्लाई किया था लेकिन बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो गए। देखते हैं अब की बार ऐसा क्या है, कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आप निराश ना हो, फॉर्म को जरूर फिलअप करें क्योंकि अगर ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसी अगर निकाली गई है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियबल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मोड ऑफ जो रहने वाला है वैकेंसी का वो तो फॉर्म फिलअप करने के बाद ही पता चलने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और साथ ही आपकी कोई क्यूरीज है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका टेलीग्राम चैनल भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, वहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके जो है आपकी कोई भी रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और साथ ही जो है आपको ये जो आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, अदर वैकेंसीज भी मैंने आपके लिए प्रोवाइड की है, तो आप एक बार इसको जरूर चेकआउट करें।